नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू भोपाल द सिटी ऑफ लेक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भोपाल के बेस्ट प्लेसेस दिखाएंगे जो आपको गर्मी के मौसम में जरूर विजिट करने चाहिए। हिस्टोरिक लैंडमार्क से लेकर सिरेन लेक्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे, तो चलिए भोपाल का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश व्लॉग चैनल। हम भोपाल के दिल में घूमने वाले हैं, चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, नेचर लवर हो या बस गर्मी से बचने के लिए जगहों को ढूंढ रहे हो। भोपाल में सबके लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन कौन सी जगह है भोपाल में गर्मियों में घूमने के लिए। सबसे पहले है ऊपर लेक, जो बोस्ताज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मैसिव लेक भोपाल का एक आइकॉनिक स्पॉट है और गर्मी से बचने के लिए एक रिफ्रेशिंग जगह भी है। आप यहाँ बोटिंग, पिकनिक या सिर्फ लेक के पास रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर लेक भोपाल में जरूर विजिट करने वाली जगह है। आप यहाँ पैडल बोट या मोटर बोट रेंट पर ले सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सनसेट व्यूज यहाँ से ब्रेथटेकिंग होते हैं और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट के लिए भी एक परफेक्ट ग्रेट प्लेस हो जाता है। दोस्तों ऊपर लेक तक पहुंचने के लिए आप लोकल बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं ऊपर के किसी भी पार्ट से। बोटिंग चार्जेस दोस्तों यहाँ पर 50 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बोट जो आप वहाँ पर चूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगला है वन विहार नेशनल पार्क। अपर लेक के पास लोकेटेड ये पार्क है कई वाइल्ड लाइफ इंक्लूडेड टाइगर्स, लायंस और बियर्स का। दोस्तों, नेचर लवर्स और फैमिलीज के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। दोस्तों, वन विहार एक यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है जू और नेशनल पार्क का। आप यहाँ वॉक कर सकते हैं या बाइसिकल रेंट पर ले सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में सीखने के लिए ये एक ग्रेट प्लेस है जब आप यहाँ पर एंजॉय करते हैं नेचर के साथ। दोस्तों, वन विहार रोड से इजीली एक्सेसिबल है और दोस्तों यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपए अडल्ट के लिए और बच्चों के लिए है 5 रुपए। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो आप 50 रुपीज बाइसिकल रेंट पे ले सकते हैं। कम्फर्टेबल शूज पहने और बर्ड वॉचिंग के लिए यहाँ पर आप बाइनोकुलर्स भी जरूर लेके जा सकता है। दोस्तों, आर्ट और कल्चर में इंटरेस्टेड लोगों के लिए भारत भवन एक मस्ट विजिट प्लेस है। दोस्तों, यह एक आर्ट कॉम्प्लेक्स में आर्ट गैलरी, ऑडिटोरियम, ट्रेवल म्यूजियम और लाइब्रेरी शामिल है। भारत भवन एक कल्चरल गेम है। भोपाल में आप यहाँ कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस देख सकते हैं और इवेंट वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकल कल्चर में इमर्स होने के लिए ये एक ग्रेट प्लेस बन जाता है। भारत भवन सिटी के हार्ट में लोकेटेड है। ऑटो रिक्शा या टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ की एंट्री फ्री है पर कोच इवेंट्स और वर्कशॉप नॉमिनल फीस के लिए आपसे चार्ज कर सकता है। लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए शेड्यूल चेक करना ना भूलें। ऊपर से थोड़ी दूर ड्राइव करने पर सांची स्तूपा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एनिसेंट बुद्धिस्ट मोनुमेंट 3rd century BCE का है और अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर का एक रिमार्केबल भी है। सांची स्तूपा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है बल्कि एक सेरेन जगह भी है जो इंडिया की रिच पास का एक झलक देती है। दोस्तों, यहाँ की कार्विंग्स और स्कल्पचर इनक्रेडिबली डिटेल्ड है और बुद्धा के लाइफ की स्टोरीज भी बताती है। सांची स्तूपा विजिट करने के लिए आप भोपाल से ट्रेन ले सकते हैं या टैक्सी हायर कर सकते हैं। जर्नी 1 घंटे का होता है। एंट्री फी दोस्तों यहाँ पर 30 रुपए है इंडियन सिटीजन के लिए और 500 रुपीज है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। कम्फर्टेबल क्लोथिंग पहने और हैट ले। दोस्तों, यहाँ पर हैट लेके जाइए ताकि आप सन से प्रोटेक्ट हो सके। शौकत महल और सदर मंजिल चौक बाजार एक बसलिंग एरिया में लोकेटेड है। ये स्ट्रक्चर इंडो इस्लामिक और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का ब्लेंड शोकेस करता है। दोस्तों, चौक बाजार के लेंस में वॉक करते हुए ये स्टोरी बिल्डिंग स्टम्बल अपॉन करना एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। इंटरेस्टेड डिजाइन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के वजह से ये एक विजिट करने लायक प्लेस बन जाता है। तो ये साइट ओल्ड सिटी एरिया में लोकेटेड है और ऑटो रिक्शा या टैक्सी से इजीली पहुंचा जा सकता है। कोई एंट्री भी नहीं है, मेकिंग इन अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर हिस्ट्री एंथुसियास्ट के लिए। नेक्स्ट ऑन द आवर लिस्ट, ट्राइबल म्यूजियम। ये म्यूजियम मध्य प्रदेश के ट्राइबल कल्चर को शोकेस करता है, इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स और आर्ट और वेरियस ट्राइबल्स का डेली लाइफ। ट्राइबल म्यूजियम फैसिनेटिंग और एजुकेशनल है। एग्जिबिट ब्यूटीफुली क्यूरेटेड है, प्रोवाइडिंग और रिच कल्चरल एक्सपीरियंस। एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ये मस्ट विजिट प्लेस बन जाता है। तो ट्राइबल म्यूजियम श्यामला हिल्स के पास लोकेटेड है और
लोकल ट्रांसपोर्ट से इजीली एक्सेसिबल है। एंट्री फी यहाँ पर 10 रुपए एडल्ट के लिए और 5 रुपए चिल्ड्रन के लिए। इससे बिट फुल्ली अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम कपल ऑफ आवर यहाँ पर स्पेंड करना जरूरी होता है। दोस्तों भोपाल का एक और इम्प्रेसिव लैंडमार्क है ताजुल मस्जिद, न्यू इंडिया का लार्जेस्ट मस्जिद है। दोस्तों इसका ग्रैंड आर्किटेक्चर और स्टेरियन एम्बियंस इसे मस्ट विजिट प्लेस बनाता है। ताजुल मस्जिद सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है बल्कि मुगल आर्किटेक्चर का एक स्टनिंग एग्जाम्पल भी है। मस्जिद का शीर साइज और इंटरेस्टिंग डिजाइन और इंस्पायरिंग कर देगा आपको। मस्जिद ओल्ड सिटी में लोकेटेड है और ऑटो रिक्शा या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। कोई एंट्री फी नहीं है दोस्तों यहाँ पर विजिटर्स के लिए मॉडर्न ड्रेसिंग एक्सपेक्ट की जाती है। प्रेस टाइम्स के दौरान विजिट करना ज्यादा इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है। भोजपुर टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, भोपाल के पास एक गेम है। ये एनिशियंट टेम्पल अपने मासिव शिवा लिंगम और अनफिनिश्ड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। भोजपुर टेम्पल विजिट करना एक टाइम ट्रैवल जैसा है। टेम्पल का मैसिव शिवा लिंगम इंडिया के टॉलेस्ट में से एक है और सिंह को और भी बढ़ाता है। भोजपुर टेम्पल भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर है और टैक्सी या बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री फ्री में है और गर्मी से बचने के लिए एक सुबह जल्दी विजिट करने लायक ये जगह बन जाती है। पानी और स्नैक्स कैरी करना अच्छा आइडिया है क्योंकि वहाँ लिमिटेड फैसिलिटीज होती है। स्टेट म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश एक ट्रेजर ट्रू है आर्टिफैक्ट स्कल्पचर और हिस्टोरिकल आइटम्स का। हिस्ट्री बब्स के लिए ये एक्सप्लोर करने लायक जगह बन जाता है। म्यूजियम को एक्सटेंसिव कलेक्शन एंड स्कल्पचर से लेकर रेयर कॉइंस और मैनुस्क्रिप्ट्स तक इंक्लूड करता है। रीजन के हिस्ट्री और कल्चर्स के बारे में सीखने के लिए ये ग्रेट प्लेस बन जाता है जो हिस्टोरिकल और कुछ नई चीजें देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड लेकर आता है। दोस्तों भोपाल के पैनोरामिक व्यूज ऑफर करता है। एक हिल टॉप से ये स्पॉट लोकल्स और टूरिस्ट दोनों के बीच में पॉपुलर है, स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग। मनुआ वन की टेकरी की टॉप रीच करना एक एडवेंचर है और व्यूज वर्थ इट है। दोस्तों आप ये तो हाइक कर सकते हैं या फिर केबल कार ले सकते हैं। दोस्तों ये पीसफुल जगह है अनवाइंड करने और सनसेट एंजॉय करने के लिए। हिल टॉप तक केबल कार से पहुंचा जा सकता है जो बेस से अराउंड ₹50 कॉस्ट करता है। अल्टरनेटिवली आप हाइक भी कर सकते हैं अगर प्रेफर करें। कंफर्टेबल शू पहने और एक लाइट जैकेट कैरी करें क्योंकि वहाँ बाइंडी हो सकती है। अपर लेक के पास बोट क्लब एक और ग्रेट स्पॉट है रिक्रिएशन के लिए। दोस्तों ये वेरियस वाटर स्पोर्ट्स और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट ऑफर करता है लेक को एंजॉय करने के लिए। बोट क्लब फैमिलीज और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट है जो वाटर पर कुछ फन करना चाहता है। पैडल बोटिंग से लेकर जेट स्कीइंग तक यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। बोट क्लब रोड से इजीली एक्सेसिबल है। वाटर स्पोर्ट्स के चार्जेस ₹50 से लेकर के ₹30 के बीच होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। लाइफ जैकेट्स पहने और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें के लिए परफेक्ट है। दोस्तों ये था हमारा टूर ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल ड्यूरिंग इन समर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये गाइड आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए हेल्पफुल और इंस्पायरिंग रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल गाइड्स। अब तक के लिए हैप्पी ट्रैवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।